हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बेलोनोग्लासेस के श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे। तो बेलोनोग्लासेस जो है वो कहाँ पाया जाता था? समुद्र में पाया जाता था। तो जब जितने जलीय जंतु होते हैं वो किससे श्वसन करते हैं? अपनी गिल्स से करते हैं। तो बेलोनोग्लासेस भी श्वसन किससे करता है? गिल से करता है। तो हम देख लें कि बेलोनोग्लासेस जो थे वो इनकी बॉडी जो थी वो तीन भागों में बटी थी। कौन कौन सी थी? प्रोबोसिस थी, कॉलर था और ट्रंक रीजन था। तो अब इन जो श्वसन तंत्र है वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं ये देख लें। तो बेलोनोग्लासेस के श्वसन तंत्र में कौन से ऑर्गन भाग ले रहे हैं? एक तो फैरिंग्स भाग ले रही है, मीन्स ब्रैंकियल फैरिंग्स, और ब्रैंकियल सैक मीन्स इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? नंबर वन ब्रैंकियल फैरिंग्स, ठीक। और दूसरा है क्या भाग ले रहे हैं इसमें श्वसन तंत्र में? ब्रैंकियल सैक। ब्रैंकियल सैक तो ये दोनों पार्ट जो हैं मिलके इनका श्वसन तंत्र को कंप्लीट करते हैं। अब इनकी हम पोजीशन देख लें। ब्रैंकियल फैरिंग्स कहाँ पे हैं आपकी? ब्रैंकियल फैरिंग्स जो है वो फैरिंग्स जो थी वो दो भागों में बट गई थी। एक क्या? ब्रैंकियल फैरिंग्स और डाइजेस्टिव फैरिंग्स। तो हम देख लें बेलोनोग्लासेस की जो बॉडी है वो कितने भागों में बटी थी? तीन। फर्स्ट भाग क्या हो गया? मीन्स जो कॉनिकल भाग है ये प्रोबोसिस, मीन्स ये भाग क्या कहलाया आपका? प्रोबोसिस। और ये क्या हो गया आपका? कॉलर, मीन्स ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये क्या हो गया आपका? कॉलर। और ये भाग क्या हो गया आपका? ट्रंक। ये ट्रंक रीजन हो गया, ठीक। तो अब इनके पार्ट्स हम देख लें। पहला पार्ट क्या आ रहा है? ब्रैंकियल फैरिंग्स। तो फैरिंग्स जो थी वो पैराब्रैंकियल रिग्ड, ये पैराब्रैंकियल एक रिग्ड गई, ये पूरा पार्ट आपका ये फैरिंग्स है, ये पार्ट जो है आपकी फैरिंग्स है। तो पैराब्रैंकियल एक रिग्ड गई थी जिससे फैरिंग्स जो है दो भागों बट गए, एक डॉर्सल भाग यानी ऊपर का ये डॉर्सल भाग और ये नीचे का वेंट्रल भाग। तो जो वेंट्रल भाग था वो मेरा क्या काम करता था यहाँ पे? डाइजेशन होता था, मीन्स ये डाइजेशन के लिए भाग हो गया था। और ये क्या है? रेस्पिरेशन का काम करता था यानी रेस्पिरेटरी रीजन हो गया था। तो जो रेस्पिरेटरी रीजन था इसे हम क्या कहते थे? पैराब्रैंकियल रीजन। अब ये डाइजेस्टिव जो नीचे वाला यानी वेंट्रल फैरिंग्स जो पार्ट था ये क्या हो गया? डाइजेस्टिव फैरिंग्स हो गई। तो पैराब्रैंकियल रिग से फैरिंग जो है वो टू पार्ट में बट गई, एक क्या? वेंट्रल नीचे के साइड की डाइजेस्टिव फैरिंग्स और डॉर्सल रेस्पिरेटरी फैरिंग्स, दो भाग में बट गई। अब फैरिंग्स में क्या थे आपके? गिल्स स्लिट थी। ये सब क्या है आपके? गिल स्लिट हैं। तो ये कैसी थी आपकी? यू शेप, मीन्स गिल स्लिट ये देख रहे हैं आप, मीन्स ये यू शेप्ड ऐसे गिल स्लिट थी। तो ये कैसी लग रही हैं आपके? टंग की तरह, मीन्स हमारे जबान की तरह, इसलिए इसे हम क्या बोलें? टंग बार भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम इनको देख लें, यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमने डिटेल से बताया हुआ है। ये आपकी क्या है? यू शेप्ड आपका क्या है? गिल्स स्लिट हो गई, मीन्स ये यू शेप्ड ऐसे। तो ये गिल्स स्लिट जो है वो किसके द्वारा? यानी गिल सेप्टम, ये बीच बीच में क्या है? गिल सेप्टम है। तो गिल सेप्टम द्वारा ये अलग सेपरेट हैं, ये बीच बीच इसमें गिल सेप्टम में ये क्या है आपका? बीच बीच में स्केलेटर रॉड है। तो गिल सेप्टम जो है वो स्केलेटर रॉड का बना हुआ है जो गिल्स स्लिट को डिवाइड कर रहा है, मीन्स यू शेप्ड आकार के आपके गिल्स स्लिट बन रही है। अब ये जो आपकी गिल्स स्लिट है, गिल्स बार है आपकी, ये क्या, इसमें क्या है? महीन महीन सी ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो आपके वाटर से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डाल देती हैं। तो ये तो रीज़न हो गया आपका ब्रैंकियल फैरिंग्स रीज़न का। अब बात करते हैं ब्रैंकियल सैक, मीन्स गिल्स स्लिट जो है किसके थ्रू? सेप्टा द्वारा अलग अलग रहती है। तो ये गिल्स जो है आपके गिल्स छिद्र द्वारा,
यानी गिल्स ओपनिंग द्वारा किसमें खुल रही है, गिल्स सैक या ब्रैंकियल सैक। ये जो पूरा रीज़न है, ये रीज़न क्या हो गया आपका, सैक हो गया, और ये क्या हो गया आपकी, गिल्स अपर्चर। ये क्या है आपके, ये बीच बीच में क्या खुले हुए हैं, गिल्स अपर्चर हैं ये। तो गिल्स अपर्चर जो है वो किस में आके खुल रही है, गिल्स सैक। ये जो पूरी कैविटी हो गई, ये क्या हो गई आपकी, सैक। और ये गिल्स सैक जो है, गिल्स पोर के थ्रू बॉडी वॉल से बाहर खुल रही है। तो मीन्स वाटर जो है ये आपके रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में जा रहा है, तो वो गिल्स अपर्चर मीन्स यहाँ यहाँ से होके किस में जा रहा है, इसमें आ जा रहा है, मीन्स आपकी ब्रैंकियल सैक में आ रहा है, और ब्रैंकियल सैक से गिल्स पोर द्वारा बाहर चला जा रहा है। अब यहाँ पे हम ये तो हो गए इनके ऑर्गन्स हो गए, यानी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने वाले ऑर्गन जो है वो क्या है, ब्रैंकियल फेरिंग्स हो गई और ब्रैंकियल सैक हो गया। अब हम इनकी मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं, मीन्स कैसे इसमें रेस्पिरेशन होता है। तो जब ये डाइजेशन करते थे तो फूड पार्टिकल जो है वाटर के साथ, वाटर करंट के साथ माउथ के थ्रू इंटर करता था, तो वही फूड पार्ट जो वाटर है, वो वाटर जो है आपका फेरिंग्स के थ्रू बाहर जाते थे। तो यहीं पे जो वाटर जो है माउथ से इंटर कर रहा है और गिल्स पोर से बाहर निकल जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें भरा हुआ जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें वाटर में छोड़ दे रहे हैं, और वो गिल्स के पोर के थ्रू बाहर चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख लें, मीन्स वाटर कैसे एंटर करा है, मीन्स फूड कम रेस्पिरेशन। इसमें क्या हो रहा है आपका, फूड कम रेस्पिरेशन। जो वाटर पार, मान लीजिए ये वाटर करंट है, ये फूड पार्टिकल्स है, ये वाटर करंट हो गया, तो ये क्या हो गया, फूड कम रेस्पिरेशन। ठीक, मीन्स ये क्या है आपका, वाटर करंट, मीन्स क्या हो गया, फूड कम रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये मान लीजिए कि वाटर है और ये फूड पार्टिकल्स है, ये वाटर है, ये फूड पार्टिकल्स है आपके, तो मीन्स वाटर जो है वो फूड पार्टिकल्स के थ्रू जा रहा है, यानी फूड कम रेस्पिरेशन इसमें साथ साथ हो रहे हैं आपके। तो वाटर जो है माउथ से इंटर कर रहे हैं, यहीं पे फूड पार्टिकल भी वाटर के थ्रू इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या था आपका, प्रियोरल ऑर्गन था, वो फूड पार्टिकल को टेस्ट करते हैं और नहीं तो वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये बकल एक और यूट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, बकल डाइवर्टिकुलम था, यहाँ से आपका म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, तो ये एक म्यूकस की यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाती है जिसमें वो फूड पार्टिकल लपट जाते हैं और वो आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पे मैं इनका करंट देख लेती हूँ कि कैसे वाटर आपका इंटर कर रहा है, ये दिखा रहे हैं। तो वाटर करंट जो है वो फूड पार्टिकल और वाटर दोनों साथ साथ आपके प्रोबोसिस के ऊपर से भी जा रहे हैं, तो ये बॉडी के ऊपर से भी जा रहे हैं, और यहाँ पे ये माउथ के थ्रू, मीन्स माउथ में, माउथ के थ्रू वाटर इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बकल डाइवर्टिकुलम से म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, जो एक म्यूकस स्ट्रिंग बना लेते हैं, लुगदी जैसा बना ले रहे हैं, और फूड पार्टिकल इंटर कर रहे हैं। अब ये जो वाटर फूड के, फूड पार्टिकल और वाटर जो है, फूड पार्टिकल को ले जाने जो वाटर करंट है वो कहाँ, मीन्स डाइजेस्टिव फेरिंग्स से किस में गई आपकी, ब्रैंकियल रीजन में गया वाटर, और ब्रैंकियल रीजन में गिल्स पोर से बॉडी के बाहर। तो ये इनका वाटर का फ्लो चार्ट है, ये हमने दिखाया है कि मीन्स वाटर जा रहा है, इंटर कर रहा है, और ये ब्रैंकियल रीजन में पहुँचा, डॉर्सल ब्रैंकियल रीजन में पहुँच के और गिल पोर्स के थ्रू बाहर चला जा रहा है। तो अब ये देखा आपने, मीन्स जो वाटर था वो गिल्स पोर के थ्रू बाहर चला गया। यहीं पे क्या थी आपकी, ये गिल्स स्लिट लगी हुई थी, ये क्या थी आपकी, गिल्स स्लिट थी। अब ये जो गिल्स स्लिट है, यहाँ पे क्या है, महीन महीन ब्लड कैपिलरीज में क्या, महीन महीन ब्लड कैपिलरीज का जाल है, इसमें महीन महीन ब्लड कैपिलरीज का जाल है। तो जब वाटर आपके, ये आपकी क्या थी, आप ये वाला जो रीज़न था वो क्या था आपका, डॉर्सल ब्रैंकियल रीज़न था आपका।
तो वाटर जो है आपका यहाँ नीचे वाला इधर वाला पार्ट क्या था आपका डाइजेस्टिव फेरिंग्स थी। तो वाटर जैसे ये जा रहा है तो ये आपके गिल्स अपार्चर यहाँ पे ये सब ये जो खुले हुए हैं ये सब क्या है आपके गिल्स अपार्चर है। तो गिल्स अपार्चर से इंटर कर रहा है और ये कहाँ पे आ जा रहा है सेक में आया और सेक से यहाँ पे बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड कैपिलरीज ये महीन महीन ब्लड ये इस तरह से महीन महीन सी ब्लड कैपिलरीज का जो भरा हुआ ब्लड है तो वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो उसी समय ले रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो वाटर इसमें जा रहा है इसमें छोड़ दे रही हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर जो है वो गिल्स पोर के थ्रू जो है बॉडी के बाहर चला जा रहा है। इस तरह से ये रेस्पिरेशन करते हैं।